अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल समीना एंटरटेनमेंट 786। कैसे हैं आप सब? ये मैं आज बना रही हूँ चिकन फ्राई। मसाले मैंने ली हूँ चने का आटा, कॉर्नफ्लोर, अदरक लहसुन, गरम मसाला, हल्दी मिर्ची, नमक, थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला या तो चिकन फ्राई मसाला और ग्रीन चिल्ली पेस्ट। ये सब मैंने मिक्स करके ले ली हूँ। नींबू का रस निचोड़ के भी ले ली, थोड़ा सा पानी छिड़की मैंने और कड़ी पत्ते को एकदम बारीक काट के डाल रही हूँ। बहुत मज़ेदार सा बनता है ये वाला चिकन, मैरिनेट करके 2-4 घंटा रख देने का। ये बैकग्राउंड में देखिए मिट्ठू इतना चिल्ला रहा है, मुझे ब्लॉग बनाने भी नहीं दे रहा है। मिट्ठू नहीं चिल्लाओ। फिर ये मैं बना रही हूँ। फिर मैंने ये अभी मैरिनेट करके रख दी हूँ शाम के टाइम तलने के लिए। अभी मैं बना रही हूँ भोपले की भाजी, सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ये भाजी के लिए मैंने ली हूँ कांदा, हरी मिर्ची और ज़ीरा, राय ज़ीरा। ये 4 चीज़ मैंने ले ली। भोपला काट के रखी हूँ, भोपला यानी पम्पकिन यानी मीठा कद्दू, ये मैंने डाल दी हूँ। कड़ी पत्ता और कोथमीर भी डाल दी। और ऊपर से पूरा गलने के बाद ऐड कर देना है नारियल। नारियल घिस के रखना है फिर डाल देना है, बहुत टेस्टी बनता है। और आटे को भी मैंने अच्छे से गून के रख ली हूँ रोटी भाजी बनाने के लिए। ये बारिश के मौसम से ना आजकल इतना गला भी खराब हो रहा है, बार बार सर्दी गला खराब होना बार बार हो रहा है। ये ऐसा खोपरा जो है नारियल की करके डालने से ना बहुत टेस्टी बनती है ये भाजी। अभी शायद के दादी आए हुए हैं तो उनको ये सब भाजी बहुत पसंद आती है, कुछ दिनों के लिए आए हैं इधर। तो मैं भी बोली चलो उनके पसंद का ही बनाया जाए भाजी वगैरह। अभी तो 2-3 दिन बाद मुहर्रम भी है, शायद मजलिस जा रहा है डेली इज्तिमा में या अपनी बिल्डिंग में ही ना इज्तिमा वगैरह होता है ग्राउंड फ्लोर पे। अभी मैं रोटी बनाने वाली हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसा उठती हूँ ना पहले ब्रश कर लेती हूँ, फिर आटे को गून के रख देती हूँ, फिर उतनी देर में भाजी की तैयारी करती हूँ ताकि आटा अच्छे से घुल जाए, अच्छे से गूंदे चले जाए। अभी आटे को मैं रखी थी थोड़ी देर के लिए, अभी इसको बेल लेती हूँ। देखो मैं कितना वॉइस ओवर कर रही हूँ, मिट्टू को इतना बोल रही हूँ छुप कर, लेकिन वो चिल्लाते जा रहा है। मिट्टू को तो आप जानते होंगे, जो नए सब्सक्राइबर्स है वो नहीं जानते होंगे। मिट्टू है पैरोट जो मेरी सासू माँ ने पाले हैं, अभी उसको 14 साल है। मिट्टू को 14 साल का मिट्टू है, जब एकदम छोटा था तब से पाले हैं इसको। अभी सासू माँ आए हैं ना घर पे तो मिट्टू भी साथ में आया है, वो जहाँ जाते वहाँ आना रहता है उसको, नहीं तो अकेला कैसे रहेगा, खाना पानी भी तो चाहिए उसको। तो अभी इतना ये चिल्ला रहा है, मुझे वॉइस ओवर करने भी नहीं दे रहा है ये। ये मैं रोटी को अच्छे से बेल ले रही हूँ, सेक के रख लूँगी। दोपहर के लायक की भी रोटी बनाती हूँ। सासू माँ को ज़्यादा रोटी लगती है और शायद के पापा को भी लग रही है अभी, तो रोटी ज़्यादा ही मैं बना लेती हूँ रात में होने लायक। एक साथ मैं नाश्ते को बनाती हूँ ना ब्रेकफास्ट में, वही टाइम पर मैं तीनों टाइम की रोटी एक साथ बना लेती हूँ। ठंडी होने के बाद मैं ना रुमाल में बांध के रखती हूँ ऐसा गोल करके। फिर साथ ही में मैंने दाल को भी गला दी थी, तुअर की दाल। अब इसको भी अच्छे से घोट ले रही हूँ। मैं जब खड़े होती हूँ ना किचन में तो एक साथ सब काम करके ले लेती हूँ, 3 बजे के अंदर ही अंदर पूरा काम मैं कर लेती हूँ। तुअर की दाल में तो ऑलमोस्ट आप सबको पता ही है, जो भी पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, कांदा, टमाटो, लहसुन, कोथमीर, हल्दी, नमक ये सब डालती हूँ। अभी मैं वो वीडियो नहीं ली क्योंकि वीडियो हद से ज़्यादा लंबी नहीं करना है बोल के, ऑलमोस्ट पुराने वीडियोस में है डिटेल वीडियो मेरा। तो ये अच्छे से गल गई है तुअर की दाल, अभी अच्छे से घोट ले रही हूँ मैं। अभी स्कूल का टाइम भी हो रहा है शयास को, बारिश भी हो रही है बाहर। नमक डाल दी मैंने, रोटियाँ जल्दी जल्दी सेक ले रही हूँ।
मैंने जो भी चिकन मैरिनेट करके रखी हूँ, सुबह रखी थी मैंने, जैसा उठी थी सुबह 9-10 बजे मैंने रखी हूँ चिकन को। अभी दोपहर हो रही है तो दोपहर के 2-3 बज रहे हैं, तब मैंने निकाल के चिकन को फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गरम गरम तेल में। अभी तेल गरम होने दे रही हूँ, तो मैंने गरम होने के बाद चिकन को डाल दी हूँ। ये बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनता है, जितना मैरिनेट होता है ना चिकन उतना टेस्टी और अंदर कोल्ड हो जाता है कोटिंग मसाला जो भी रहता है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, घाय में जैसा मिला दिए मसाला वैसे तलते हैं, वो भी अच्छा ही बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं, इमरजेंसी के हिसाब से। लेकिन टाइम रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं। साथ ही में मैंने बीटरूट भी था घर में, तो थोड़ा सा बीटरूट की भाजी भी बना दी थी। अभी मैंने इधर आलू को बॉईल करके ले ली हूँ ताकि इसका सैंडविच बना सकूँ। शाम हो गई है, इतनी तेज़ बारिश भी हो रही है, बारिश में तो सैंडविच खाने का मज़ा भी कुछ और है। तो मैंने अभी आलू को बॉईल करने के लिए रखी हूँ और काकड़ी को भी काट के रखी हूँ, काकड़ी, कांदा, टोमेटो। और इधर आलू को मैंने मैश करके ले ली हूँ और ग्रीन चिल्ली पेस्ट जो मैंने पीस के रखी थी उसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ऐसा थोड़ा सा पतला कर ली हूँ ऐसा। अभी मैंने तवे को भी चढ़ा दी हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल या बटर लगा सकते हैं, तो मैंने तेल को लगा दी हूँ और ये ग्रीन चिल्ली पेस्ट लगा दी। फिर मैंने आलू लगा रही हूँ, बॉयल आलू, बहुत टेस्टी सैंडविच बनता है ये। एक्चुअली ये ना 2 दिन पहले की क्लिप्स हैं, मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, मतलब अपलोड यानी वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। आज है मुहर्रम का दिन है आज, तो नीचे नात वगैरह लगाए हुए हैं कव्वाली नात, तो वही बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है लगता। अभी तो मिट्टू चुप हो गया है। ये मैंने काकड़ी काट के भी रखी हूँ, एकदम पतला पतला काटी हूँ कांदा काकड़ी, और ऐसा सैंडविच बहुत अच्छा लगता है ये वाला, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं जिसको नहीं मालूम उन लोग को। ये देखिए ऐसा, यह ग्रीन चिल्ली पेस्ट से ना थोड़ा तेज़ भी आता है, जितना तेज़ चाहिए उतना लगा सकते हैं, ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है। ऐसा टमाटर रख के चारों साइड काकड़ी भी रख के इसके ऊपर, और एक ब्रेड रख देना है इसके ऊपर, चीज़ को भी खरोच के डाल सकते हैं। थोड़ा मैं चीज़ नहीं डाली हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा डाइट चल रहा है समझो, क्योंकि ज़्यादा मैं अभी मोटी होते जा रही हूँ तो मुझे मोटी नहीं होना है, तो मैं चीज़ अवॉइड कर रही हूँ। और सासू माँ को भी उतना नहीं पसंद चीज़ वगैरह, तो मैंने उनको भी नहीं डाली, ये ज़्यादा ही थिक हो गई थी तो मैं इसको थिन कर रही हूँ चटनी को। अभी देखो मिट्टू फिर स्टार्ट हो गया, तू ही बात कर ले भाई। ये जब तक इधर स्लो आंच पे मैंने रखी हूँ ब्रेड सैंडविच को, दूसरा रेडी कर लेती हूँ मैं। अभी ये मैं बना रही हूँ बैंगन का खट्टा, यानी जो मैं बनाई थी पहले भी मिर्ची वाला, इमली वाला, उसी में बैंगन को भून के अच्छे से बनाने का। ये ना बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ, सासू माँ को आस आ रही थी तो मैंने सोची बना दूँ, और मुझे भी बहुत पसंद है ये वाला खट्टा। जब भी मैं बोर हो जाती हूँ खाने से तब यही मैं बनाती हूँ, मसालेदार चीज़ों से बोर हो जाती हूँ ना तो ये मैं बना लेती हूँ। ये बैंगन को भून के मैंने उसका छिलका हटा दी हूँ। फिर ये देखिए पूरा कचौड़ी मैंने क्या क्या डाली हूँ, कांदा, कोथमीर, लहसुन, इमली का रस और थोड़ा सा नमक।
ये सब डाल के मैंने कूट ली। इसका डिटेल वीडियो मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। साथ ही में मैंने कबाब को भून ले रही हूँ, और ये जो है बम्बिल को भी मैं धो धा के भिगो के रखी थी, तो अभी भून रही हूँ। ये खट्टे के साथ बम्बिल और सूखी मच्छी जो मिलती है वो सब बहुत अच्छा लगता है। इमली का खट्टा बोलते हैं, बैगन का खट्टा बोलते हैं। तेज बारिश आ रही है, रात के हो गए हैं 10 बजे, तो हम लोग का डिनर हो गया है। ये शाम अगले दिन की क्लिप है। ये मैं सबसे पहले ये इडली भिगो रही हूँ। चावल है, उड़द की दाल है, मेथी दाना है। एक कटोरी उतना भर के उड़द दाल, 2 गिलास भर के चावल। ये मैंने भाजी का चार बनाई हूँ। भाजी का चार का वीडियो आपको पिछले ब्लॉग में मिल जाएंगे, चाहे तो आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं। चावल भी चढ़ा दी मैंने, रोटी भी बना दी हूँ, इडली को भी मैंने भिगो के डाल दी। इडली का वीडियो का पूरा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगी कितना क्या चाहिए। ये शायद ये मैंने ड्राइंग बनाया हूँ। और ये रात का वक्त है, यहाँ पे कलर को भी पोट की जा रही है, यहाँ पे नदी, वो सूरज नहीं, वो सूरज की चीज रात, ना बाजू में पहाड़, वो भी पहाड़, यहाँ पे झंडा, यहाँ पे दो लोग खाना खा रहे, यहाँ पे भी दो लोग खाना खा रहे, और ना नीचे पर्पल, ऑरेंज, ब्लू, ऑरेंज। मैंने इडली के लिए जो भी भिगाई थी वो मगरिब में पीस ली मैंने। ये जैसा मैं दाल बनाती हूँ ना, वैसा ही दाल बना लेने का, फिर वेजिटेबल डाल देने का, फिर उसी में सांबर पाउडर डाल देने का, एक सी विजल ले लेने का, 1-2 विजल, ताकि वेजिटेबल गल जाए। फिर उसमें बाद में गुड़ और इमली का रस डाल देने का, फिर अच्छे से उसको मिक्स करके नमक डाल के छाव लेने का, यानी बघार लेने का। राय जीरा, मोटी मिर्ची, थोड़ा सा कांदा डाल के, कड़ी पत्ता डाल के ऐसा बघार लेने का। ये एकदम मज़ेदार बन के सांभर रेडी हो गया है। और ये इडली मैंने बना के रखी हूँ पहला ट्रिप, अभी दूसरी ट्रिप मैंने लगा दी हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट नरम बनती है इडली, और हैवी रहती है, बहुत भूख नहीं लगती ये इडली में, इतना बहुत भारी बनती है इडली, एकदम सॉफ्ट। तो बाहर आई हूँ तो शायद और शहजान मस्ती कर रहे हैं, बारिश में तो इडली का मजा भी कुछ और है। बारिश में तो खाना अच्छा रहना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, गर्मियों में उतना खाने पे दिलचस्पी नहीं रहती है, खाली ठंडा पियो, पानी पियो, यही फील होता है। लेकिन ऐसा बारिश में, ठंडी में ना, इतना फील आता है खाने को लेके, अच्छा रहना चाहिए, चटपटा रहना चाहिए, ऐसा फील होता है। देखिए मौसम भी कितना प्यारा है, और इधर स्कूल के बच्चे छूटे हुए हैं, ये जो है सब स्कूल के बच्चे हैं इधर। ये शायद के दादी बाहर बैठे हुए हैं, तो दोनों बच्चे लोग खेल रहे हैं। अभी मैंने किचन पूरा साफ कर ली हूँ, बर्तन सब धो के पानी गर्म कर रही हूँ शायद शहजान को नहलाने के लिए। देखिए किचन पूरा साफ हो गया है, देखते अभी क्या काम बाकी है। इन लोग कुछ कर रहे हैं, शहजान कुछ बता रहा है। सुसु किया, पोछ पोछ, कपड़ा लाके पोछ। माशाल्लाह बच्चे भी ना बहुत चालाक होते हैं, जैसे बड़े करते वैसा ही बच्चे भी करते। देखो सुसु किया और सही जगह पे लाके कपड़ा डाल दिया शहजान ने, जबकि ये है 18 महीने का बच्चा। माशाल्लाह नजर ना लगे। और ये मिट्टू को बाहर आने का था तो बाहर लाके बिठाए हम लोग, देखो कितना खुश हो गया मिट्टू। तो बजाया कैसे बजा रहा, चलो अभी चलो अंदर, चलो मिट्टू बस बस, चुप बैठ।
चुबे सतार जैसे हम सोच रहे जैसा मैं बाहर आई हूँ देखी तो कबूतर है, उसको भी आना है यूट्यूब पे फेमस होना है ये कबूतर को भी, तो बोलता कि मैं सामने आता हूँ रुको फिर अच्छे से तो शूट कर लो मुझे, मेरा फेस लो देखो पोज भी दे रहा है अब ले बोलो कितना बढ़िया पोज दे रहा है देखो कबूतर, आप ब्लॉग बना रहे हैं तो मैं भी ब्लॉग में आना चाहता हूँ बोले, ये दूसरा वाला भी आ गया, चलो मैं भी आ जाता मुझे भी थोड़ा फेमस कर दो। सोचो पंछियाँ जानवर लोग भी बात करने लगे तो कितना मजा आ जाएगा, क्या क्या बात करते। फिर मैं अभी मैं आई हूँ बाजार में, बारिश का मौसम भी है, छतरी लेके आई हूँ मैं, थोड़ा काम था गेहूँ सब पिसाने का था, आटा खत्म हो गया था तो मैंने गेहूँ को दे दी पिसाने के लिए, और इधर मैं देखी तो चना है तो सोची चना ले लूं, चना बहुत पसंद है शायास को भी, शायास की दादी को भी, एकदम चटपटा खट्टा खट्टा रहता है इनका चना, चाट बोलते हैं इसको, तो ये 20 का एक पूड़ी दे रहे हैं, तो मैं बोली बना दे भाई। मैंने ले ली हूँ चना, अभी मैं निकल रही हूँ सीधा घर, ज़्यादा रुक के मतलब नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है मेरा इधर कुछ लेना खरीदना, ऑलमोस्ट सब लेके आ गए थे शायद के पापा, तो देखते हैं अभी। फिर भी पकोड़ा लेने का था, एक पकोड़ा ले लेती क्योंकि शहजान को बहुत पसंद है पकोड़े, टाइम पास के हिसाब से चबाते बैठ जाता है वो, तो इधर मैं एक पकोड़ा ले रही हूँ चाइनीज़ पकोड़ा, जो गोभी मंचूरी रहता है ना उसी के पकोड़े रहते गोल गोल, तो ले ली मैंने। फिर इधर भी मुझे दूध लेने का था, दूध भी ले लूँगी, भाजी वगैरह तो लेके आए थे ये, तो ये है फेमस असलम की दुकान है कोरला में, हम लोग इन्हीं से लेते ज़्यादा सामान कुछ भी हो, बहुत पुरानी दुकान है। तो आ गई हमारी जामा मस्जिद गली में मैं, ये देखिए कुरला से कोई है क्या अपने सब्सक्राइबर्स, ये जो दिख रही है ऊपर पीली बिल्डिंग, यही बिल्डिंग में रहती हूँ मैं, ये जो मटके लगाए हुए हैं ये है मुहर्रम के हिसाब से लगाए हैं, मुहर्रम का महीना चल रहा है। अभी मैं आई हूँ घर पे, कीमे को मैं भिगा के रखी थी तो इसका मैं फ्राई बना रही हूँ, कांदे को काट के रख ली हूँ, कोथमीर को भी काट के रख ली, चॉप कर ली एकदम बारीक, इसको मिला दी मैंने, अभी इसमें मैं मसाला ऐड करने वाली हूँ, कीमे का एकदम पानी निकल देना चाहिए। फिर इसमें मैं डाली हूँ गरम मसाला जो घर का है पीस के जो रखी थी मैं, और अदरक लहसुन डाल रही हूँ मैं,
दो चम्मच जितना, आधा किलो कीमा है उसके हिसाब से दो चम्मच अदरक लहसुन, आधा चम्मच गरम मसाला, एक कांदा, थोड़ी सी कोथमीर। और ये डाली मैंने हल्दी, हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने डाल दी, लाल मिर्ची नहीं डाल रही हूँ मैं, धनिया पाउडर डाल दी, लाल मिर्ची एकदम दो तीन चुटकी उतना डाली हूँ बस फ्लेवर के हिसाब से। अभी ये मैं डाल रही हूँ बेसन, बेसन एक तीन चार टीस्पून डाल देना है, इसको भी डाल के अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक भी डाल देना है, थोड़ा सा नींबू का रस भी डालना है, ये सब डाल के अभी मिक्स कर लेते। ये मैं गोल गोल करके रख रही थी तो शायाज बोला मम्मी मैं भी बनाऊंगा, मुझे भी काम दो, तो वो भी गोल गोल कर रहा है। फिर मैंने सब कढ़ाई में डाल दी, थोड़ा सा पानी डाल के भाप में पका रही हूँ, ये ना जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते, कच्चे कीमे की भी बन जाते हैं, ये कीमे का भी अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला भी। ये ना गाँव में मेरी अम्मी बनाती है, उस हिसाब से मैं बना रही हूँ, कच्चे कीमे के भी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते। ये गरम गरम तेल में मैंने जो पके हुए थे सिर्फ दो तीन मिनट ही पकाई थी मैंने, उसमें ये गरम गरम तेल में मैंने डाल दिया ऐसा। अब इसको पलटी मार ले रही हूँ, एकदम हाई फ्लेम पे है, कभी मीडियम फ्लेम पे है, ऐसा बनाना है। साइड में मैंने चावल को भी चढ़ा दी हूँ, ये देखिए सारे कबाब बनके तैयार हैं, एकदम मस्त तेज तेज बनाई हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, ज़्यादा तेज नहीं मीडियम तेज। अभी डिनर की तैयारी कर ले रही हूँ मैं, ये मैंने हिट भी घोटी हूँ, भाजी का चार है, चावल है, कबाब तली हूँ, और ये ऐसा भाजी के चार में हिट खा रहे हम लोग। ये अगले दिन की क्लिप है, मैं गवार की भाजी और तोंडली की भाजी को काट के भाजी बना दी हूँ, कांदा, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन डाल के, गरम मसाला डाल के, और साथ ही में मैंने रोटी भी बना के न्यूज़पेपर में लपेट के रखी हूँ। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, शहजान को रोटी पसंद है, सुबह का लम्हा है, ये मिट्टू मियाँ बैठे, शायाज को भी स्कूल भेजना है, अभी तैयारी करना है। मिट्टू मुंह खाता है और वो टॉवल में मुंह पोछता है अपना, देखो ऐसा ऐसा अभी ऊपर जा रहा है वो, इधर ना नीचे ये बांध रहे हैं ताड़पत्री वगैरह, क्योंकि मुहर्रम की तैयारी हो रही है, कल मुहर्रम है तो आज ये बांध रहे हैं, नीचे शरबत खिचड़ा वगैरह बनाते हैं, शरबत बनाने की तैयारी है। इधर ये बैठे हैं, चावल चुड़ा खा सकती है जान, सयाज गया है इस्तेमा, इस्तेमा में गया है मुहर्रम की आवाज में, क्यों गया इस्तेमा, नान कटाई आजा कुछ खाने मिलेगा, हाँ इसलिए गया है, न्याज मिलेगा बोल के जाता है वो। नीचे हो रही है मुहर्रम की तैयारी, यहाँ शरबत क्या क्या बनाएंगे, नीचे शरबत बचता है बस, और मुहर्रम के दिन शरबत ही खाते, खिचड़ा खिचड़ा तो तीजे के दिन बनेगा, अच्छा तीजे के दिन खिचड़ा, एरोप्लेन जा रही है, ठंडी हवा आ रही है एकदम मस्त, हम लोग नीचे आए हैं एक राउंड मारने के हिसाब से, तो इधर स्पाइडर घूम रहा है तो मैंने सोची थोड़ा ले लूं, इधर आलू मस्ती कर रही है, तो मैं बाजार आई हूँ, अभी चप्पल लेने का था मुझे बारिश की, जूते
शायद को भी लेने का था तो मैं आ गई बाजार में देख रही हूँ। ये है कुरला का तीन नल एरिया, यहाँ ना होलसेल में चप्पल जूता मिलता है, बहुत अच्छा रहता है क्वालिटी वगैरह, तो मैं उधर ही हमेशा लेती हूँ। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ। इधर सारी चिकन की दुकानें मिल जाएंगी आपको, नाश्ते का लिए ये पकोड़े की दुकान भी मिल जाएगी, सब इधर है चिकन का सब, तीन नल बोल के अम्बेडकर चौक। तो इधर ये जो है चप्पल की दुकान है छोटी सी, मैंने उधर से जूता ले ली हूँ। देखिए ये वाला जूता मैं ली हूँ, देखिए ये वाला अच्छा है। तो अभी मैं निकल गई, इधर थोड़ा छन्नी वगैरह लेने का था, बॉटल स्कूल की सब ले ली मैंने इधर से भी। घर पे आई तो साबूदाना खिचड़ी बनाए थे नीलम भाभी, तो वो भी लेके हम लोग खाते बैठे हैं। इतने में शायद के पापा आ गए तो गुट्टा भून के दिए ये, तो हम लोग तो ये चाइनीज़ पकौड़ा भी लाई थी मैं, तो खा रहे हम लोग। आज का ये ब्लॉग मैं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए सब्सक्राइब व्यूवर्स हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।